हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पीएचडी एडमिशन इन एनआईटी दुर्गापुर। तो उसके लिए एनआईटी दुर्गापुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पीएचडी एडमिशन के लिए हमें यहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे एडमिशन आएगा, उसमें एडमिशन 2020 को क्लिक करना पड़ेगा। फिर ये पेज ओपन हो जाएगा, इसमें फिर हमें पीएचडी को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इवेंट सेमेस्टर और सेमेस्टर, तो उसमें हमें इवेंट सेमेस्टर को क्लिक करना पड़ेगा जो कि न्यू है। उसके बाद यहाँ पे सब है, पीएचडी एडवर्टाइजमेंट एंड एडमिशन, ऑनलाइन सबमिशन लिंक, प्रोफॉर्मा फॉर सर्टिफिकेट्स एंड पीएचडी एडवर्टाइजमेंट फॉर इवेंट सेमेस्टर। तो हम फर्स्ट लिंक क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो क्या हुआ है, द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू गो थ्रू ऑल द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। तो सारे सारी चीजें केयरफुली रीड करनी है। फिर एप्लीकेंट मस्ट नोट द इंफॉर्मेशन टू कीप दोस हैंडी बिफोर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म। फिर मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। वंस सबमिटेड द एप्लीकेशन कैन नॉट बी एडिटेड। तो सबमिट करने से पहले अच्छे से देख लेना। फिर एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन वो भी एंटरटेन नहीं की जाएगी बोल रहे। वेल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन द एप्लीकेंट शुड बी केयरफुल इन चूजिंग द नेम ऑफ डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट सेंटर कैटेगरी अच्छे से चूज करनी है ध्यान में रख के। द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट और फोटोग्राफ जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में। और एनी मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और सबमिशन ऑफ इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और पार्टली सबमिटेड एप्लीकेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने एकेडमिक डिपार्टमेंट दिए हुए हैं जिनके कोड दिए हुए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को सीएस बोलते, बायोटेक को बीटी बोलते, मैकेनिकल को एमई बोलते। वैसे जो भी सेंटर्स अवेलेबल है, जैसे सेंटर ऑफ रिसर्च एंड एनवायरमेंट एंड वाटर को स्क्रू बोलते, CREW, बायोटेक इंजीनियरिंग एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी को बीट बोलते हैं और सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च ऑन ऑन एनर्जी को केयर बोलते। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर कैटेगरी है जिसमें एप्लीकेशन करना है। तो फर्स्ट कैटेगरी है रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विद इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। फिर सेकंड है रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विद फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट विच इज DST, CSIR, UGC और मैती। मैती जो होती है वो क्योंकि विश्वेश्वरैया स्कॉलरशिप के थ्रू भी होती है। फिर रेगुलर रिसर्च स्कॉलर सिलेक्टेड इन एक्सटर्नली फंडेड स्पॉन्सर। फिर फोर्थ है रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप, मीन्स जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो ये बिफोर फिल करने से पहले देखना है। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो उससे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जैसे ही ओपन करते हैं हम, तो यहाँ पे दिख जाता है कि कैटेगरी ए के अनुसार जो भी रेगुलर रिसर्च स्कॉलर है इंस्टीट्यूट फेलोशिप में, तो उसके लिए कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी विद कैटेगरी दी हुई है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी को 4 है जिसमें ओपन 1 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 1 है, OBC 1 है और ST के लिए 1 है। तो ऐसे आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि कौन से कैटेगरी के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, उस हिसाब से आप फिल कर सकते हो। अगर कोई भी कैटेगरी में आपकी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली ओपन के थ्रू फिल कर सकते हो। फिर तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल कैटेगरी और आपके पर्टिकुलर जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से फिल कर सकते हो। अगर
अगर आप कोई भी कैटेगरी की हो, जैसे एसटी की हो जहाँ पे यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है अवेलेबल, तो आप ओपन थ्रू जहाँ पे भी वैकेंसीज है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ओपन थ्रू अप्लाई कर सकते हो, किसी और कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 वैकेंसीज है और जनरल की 3 वैकेंसीज है, लेकिन जो भी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो ओपन थ्रू, या फिर एससी की कैटेगरी में भी दो दो वैकेंसीज है तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। फिर सेकंड है कैटेगरी जो रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विथ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम, तो जो भी डीएसटी यूजीसी के थ्रू है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जो है कैटेगरी थ्रू की बी की जो वैकेंसीज है ये इस वैकेंसी से डिफरेंट रहेगी, तो आप इस कैटेगरी में फिल कर सकते हो जिसकी कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, और वो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि फैकल्टी के पास कितने प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से वैकेंसीज रहेंगी और ये स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट रहेंगे। तो जैसे विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम जो है मैत्री के अंडर जो है, उसके लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 1 सीट अवेलेबल है। फिर कैटेगरी सी है जैसे रेगुलर रिसर्च स्कॉलर सिलेक्टेड इन एक्सटर्नली फंडेड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट निर्णय इंस्टीट्यूट, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और प्रपोज सुपरवाइजर इंडिकेट द ड्यूरेशन फॉर विच द फेलोशिप इज अवेलेबल इन द गिवन फॉर्मेट इज टू बी सबमिटेड मैंडेटरी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है। कैटेगरी ई जो है रेगुलर फॉरेन फॉरेन रिसर्च स्कॉलर एडमिटेड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फिर इसमें आपको यह है कि कैटेगरी के है जैसे रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड रहेगी, तो इसके लिए है यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि रिसर्च स्कॉलर अंडर के विल परसू पीएचडी प्रोग्राम एट इंस्टीट्यूट ऑन फुल टाइम बेसिस विदाउट गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स और ए बी सी और के कैटेगरी में कितने वैकेंसीज है नहीं है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि वैकेंसीज है या नहीं है। जैसे बायोटेक में बी कैटेगरी में वैकेंसी है, सी में भी है और के में भी है, तो ऑलमोस्ट सब में ऐसे है कि सारे इसमें वैकेंसीज अवेलेबल है सारे डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स में, और जो भी रेगुलर रिसर्च स्कॉलर विथ फाइनेंशियल सपोर्ट और रेगुलर रिसर्च स्कॉलर सिलेक्टेड इन एक्सटर्नली फंडेड स्पॉन्सर प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एमटेक, एमई, एमआरच, एमएससी, एमए, एमसीए, बीटेक ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पे कैटेगरी ए में जो भी है उनको बीटेक, बीई, बीआर इक्विवेलेंट वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, जो भी बीटेक और बी है उनको वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, लेकिन एमटेक, एमई, एमआरच और एमफार्म के लिए विदाउट विद और विदाउट गेट अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अदर पोस्ट ग्रेजुएट को नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, तो लिस्ट ऑफ नेट्स तो सीएसएआर नेट, यूजीसी नेट गेट ये सब भी जो भी अदर कैट जो एमएससी एमकॉम जो है उनके लिए मैंडेटरी है। फिर कैटेगरी बी और सी के लिए ऐसी कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है उनके लिए, वो स्पॉन्सरिंग एजेंसी पे डिपेंड करेगा। और फिर कैटेगरी के तो उसमें भी सेम एज कैटेगरी ए, बट गेट और नेट क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी जो भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो रही है। फिर यहाँ पे रिलेवेंट डिपार्टमेंट क्वालिफिकेशन डिटेल और वो दिया हुआ है कि कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है उसमें बीटेक, एमटेक, एमएस, एमएससी, बीफॉर्म, एमफॉर्म, एमबीबीएस, बीडीएस और इक्विवेलेंट डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक बी और इक्विवेलेंट सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर, एरोस्पेस और ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथआउट दैट मे बी कंसिडर फॉर रिसर्च एरिया कंसिस्टेंट विद द सिविल अलाइंट इंजीनियरिंग विद और विदाउट एमटेक। तो ये सब मीन्स जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो केमिकल इंजीनियरिंग में बीई जिसका केमिकल में हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, मैकेनिकल हो, मेटलर्जिकल हो, मटेरियल हो, सिविल हो, बायोटेक हो, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो आप डिटेल में देख सकते हो कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपको कौन से इसमें पीएचडी करनी है, कौन से ब्रांच में करनी है और आप कौन से ब्रांच से हो। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको पीएचडी करनी है लेकिन आपकी सीएस ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको रिलेवेंट डिसिप्लिन देखना पड़ेगा। तो आप जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एडमिशन कर रहे हो और आपका ब्रांच जो है वो आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्कॉलरशिप, फेलोशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट। स्कॉलरशिप, फेलोशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट एज पर द नॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री। तो एज पर द नॉर्म आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। फिर यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है जो कि ऑनलाइन है, जिसमें आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, जो कि मैंने इनिशियली बता दिया था कि आपको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो वो आपको फॉर्म मिल जाएगा। फिर आपको एप्लीकेशन फीस जो है 2,000 रुपीज है फॉर जनरल कैटेगरी और 1,500 रुपीज है फॉर SC ST PW एंड वुमेन कैंडिडेट, और वो जो भी है नॉन रिफंडेबल है, जो कि आपको NEFT थ्रू और IMPS थ्रू पे करनी है। उसके लिए आपको ये जो है एप्लीकेशन डिटेल, जो फीस पेमेंट की डिटेल है यहाँ पे दी हुई है, जो कि नेम ऑफ द अकाउंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच और IFSC कोड दिया हुआ है। तो जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 28th of December को स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट है 13th of January। तो आपको 13th of January से पहले आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक्सटेंशन एंटरटेन करने वाले नहीं है। तो आपको 13th of January से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। तो उसके बाद जो है 17 में जो भी एप्लीकेंट की लिस्ट पब्लिश हो जाएगी ऑनलाइन, फिर वेरिफिकेशन ऑफ सबमिटेड डॉक्यूमेंट बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट जो कि 20th of January को पब्लिश हो गए। उसके बाद एडमिशन टेस्ट और वाइवा वोज बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट 24 को, 26 को और 27 को होगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो पब्लिश होगा 31 को। और उसके बाद 7 से जो भी वर्किंग डेज है उनको आपको फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो भी अगर किसी ने एडमिशन नहीं लिया हाँ, तो जो भी वेट लिस्टेड कैंडिडेट रहेगी उनकी लिस्ट 13th of February को पब्लिश होगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। तो फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पीएचडी कैंडिडेट अंडर कैटेगरी ABC K&L। द शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द एप्लीकेशन विल बी मेड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट सबमिशन। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ध्यान से सबमिट करने हैं टू सिलेक्शन होने के लिए, और ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड फॉर ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट। तो जो भी एडमिशन के लिए जो जो भी लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको ही मेल या कुछ भेज के इंटीमेट कर दिया जाएगा, और उनकी ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट होगी। वाइवोज भी ऑनलाइन होगा, वो भी डेट मेंशन की होगी। और ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल अपियर फॉर द एडमिशन टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन
देर मे बी फर्दर स्क्रीनिंग आफ्टर द कंडक्शन ऑफ एडमिशन टेस्ट। तो उसके बाद भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनको एडमिशन टेस्ट के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो कि अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया हुआ है, तो जो भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, वो आपको वो टाइम पे इंटीमेट किया जाएगा। फिर सेकंड है कि द आउटलाइन ऑफ द सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट। जो भी सिलेबस है उसके लिए कैंडिडेट आर रेफर टू चेक द वेब पेज ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड सेंटर ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो जो भी सिलेबस है उसके लिए आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और सेंटर्स के वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी पब्लिश ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन का दिया हुआ है कि एनआईटी दुर्गापुर इज रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट, ईच एंड एवरी रेगुलर स्कॉलर विल रिक्वायर टू रिसाइड द हॉस्टल एज पर द इंस्टीट्यूट रूल। तो आपको वहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाएगा। फिर फी स्ट्रक्चर ऑफ पीएचडी प्रोग्राम फॉर ऑल कैटेगरी भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। पीएचडी रेगुलेशन भी मिल जाएगा। फिर एप्लीकेशन चेकलिस्ट फॉर वेरियस कैटेगरीज, आपको इतना ये सब चीजें रहेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, 10th 12th ग्रेजुएट मास्टर्स, फिर 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स रहेंगे सारे। ये सब चीजें आपको चाहिए रहेगी। फोटो का साइज भी दिया हुआ है कितना चाहिए रहेगा। आइडेंटिटी प्रूफ, पासवर्ड, आधार, वोटर आईडी। फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए रहेगी, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये सब चीजें। तो आप ये डिटेल में पढ़ सकते हो फॉर्म फिल करने से पहले। तो सब इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। कैटेगरी ए में क्या लगेगा, बी में क्या लगेगा, सी में क्या लगेगा, तो उस हिसाब से आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए कि आप लास्ट डेट कब है। 13 ऑफ जनवरी है, तो जनवरी से पहले आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको फर्स्ट लिंक क्लिक करनी है। उसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, क्या है, कौन से कोड है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे और प्रोसीड करोगे, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे तो आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा और उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।